नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिर से आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है। तो रिजल्ट घोषित होने वाला है, अगर जो आपके भी रिजल्ट निकलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि किसी भी जैसे कि क्रोम पर या मोजिला पर, किसी भी ब्राउज़र पर अगर जो आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं निकल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आती है जैसे आप उस पर कुछ करते हैं, तो आज रिज़ल्ट घोषित होने वाला है। जैसे कि आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को रिज़ल्ट घोषित होने के लिए बोला गया है। तो आज ही इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर जो आपकी यह प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस ब्राउज़र पर आसानी से हो सकता है अगर जो, और किस तरीके से आप उसे अपने रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का चिन्ह आएगा उसको भी दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने किसी साइट पर जाना है, जैसे कि मैंने इसका एक लोगो खोल लिया है cdndigilm.com। जैसे ही साइट पर जाएंगे तो ये खुलकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका ये अपडेट दिया है ये वाला, क्लिक हेयर टू रिज़ल्ट जनरेशन। अगर आपकी किसी जैसे कि पहले तो आप सबसे पहले अपने क्रोम पर ही चेक कर लीजिए, क्रोम पर ओपन हो जाता है तो ठीक है, वरना आप फायरफॉक्स या मोजिला पर जा कर के चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जा कर के उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक हेयर टू रिज़ल्ट पे, तो ये आपका खुलकर आ जाएगा। अभ्यर्थी लॉगिन DBPST एडमिट कार्ड के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड के लिए बोल रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चर डालेंगे फिर उसके बाद लॉगिन कर देना है, लॉगिन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, तो फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो अगर जो किसी भी उस पर आपको दिक्कत होती है ब्राउज़र पर, तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और आज जो आपका अपडेट होने वाला है रिज़ल्ट, वो आपके शाम के 6 बजे के ही बाद आएगा। ऐसा नहीं है कि वो दोपहर में या 3 बजे 4 बजे आपको अपडेट करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, 6 बजे के बाद ही आप अपने रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, फिर से नई जानकारी के साथ। नमस्कार।